तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिष्ट और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वी गढ़वाली पर। तो मैं जैसा बताया था कि बहुत जल्द ग्राउंड पर जाऊंगा और आपको रेलवे के अपडेट्स लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत जो ज़्यादा लोग ये डिमांड कर रहे थे कि आप हमें हालिया जो स्थिति है रेलवे के जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में आप वीडियो बनाइए और ज़मीन पर जाकर आप ये वीडियो तैयार कीजिए। तो मैं फिर 2-3 महीने के अंतराल के बाद रेलवे कंस्ट्रक्शन मलेथा के नज़दीक हूं और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मलेथा का कार्य चल रहा है। यहां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होना है और इसके सारे विजुअल्स मैं आपको दूंगा, हालांकि उनमें किसी में ऑडियो नहीं होगा क्योंकि बहुत जो जानकारी है मैं आपको दे चुका हूँ। 125 किलोमीटर ये रेलवे परियोजना बनकर तैयार होनी है और इसका निर्माण कार्य हर जगहों पर जारी है। जैसे मलेथा है श्रीनगर के अंतर्गत स्वीट है, वहाँ रेलवे सुरंग बनने का कार्य जारी है। धारी देवी के पास यानी खादरा में भी रेलवे जो सुरंग है उसका कार्य जारी है। रुद्रप्रयाग नरकोटा में रेलवे स्टेशन का कार्य जारी है। आपके सुमेरपुर यानी रुद्रप्रयाग के नज़दीक ही वहाँ भी रेलवे स्टेशन बनने का कार्य जारी है। तो बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो आपको लगातार कुछ अंतराल के बाद लेके आया हूँ और ये मिलेंगी आपको, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और देखें। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वी गढ़वाली पर। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलेथा में और अगर आप मेरी पिछली वीडियो से अपडेट होंगे तो यहाँ सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होना है। तो आप देख सकते हैं जो विजुअल्स मैं जो जितनी भी नीली पट्टी आपको दिखाई दे रही होंगी ये असल में रेलवे निर्माण कार्य हैं, उसके अंतर्गत ये लगाई गई हैं। तो ये हरे भरे जो लहलाते खेत हैं गेहूँ के, उनके बीच में रेलवे कंस्ट्रक्शन का ये कार्य चल रहा है। तो रेल यहाँ गुजरेंगी तो वो नज़ारा कितना खूबसूरत होगा, देखिए आप ना। रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको रहने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, पूरे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किए गए हैं और अभी भी लगातार चालू है। 125 किलोमीटर जो ये रेलवे परियोजना है इसके अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होने हैं, जिसमें से मलेथा जो श्रीनगर के नज़दीक है ये सबसे अहम रेलवे स्टेशन होगा, क्योंकि यहाँ 5 प्लेटफॉर्म बनकर तैयार होंगे जिनमें माल ढुलाई का काम भी यहाँ होगा। और आप मान के चलिए कि जो गढ़वाल में सबसे बड़ा जो ये क्षेत्र है, सॉरी ये श्रीनगर जो क्षेत्र है, आने वाले कुछ समय में पर्यटन के लिहाज से हो चाहे उद्योगों के लिहाज से हो बहुत विकसित होने वाला है, क्योंकि पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है हिमवती नंदन फगुणा, इसके कारण भी शिक्षा के लिहाज से यहाँ लोगों की आवाजाही कितना आसान हो जाएगा। तो जब भी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें भी सॉरी आप विजुअल्स देखिए वो भी काफ़ी विकसित हो जाएंगी। तो मूलभूत जो ढांचा होगा श्रीनगर और उसके आसपास क्षेत्रों का, तो रेलवे के इन कार्यों से काफ़ी विकसित होने वाला है। और ये नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये NH निर्माण कार्य जिसमें हो रहा है वो है, और ये भी लगभग बनके तैयार है, थोड़ा बहुत काम इस पर बाकी है जो आने वाले कुछ समय में पूरा हो जाएगा। छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, हालांकि ये जो
मुख्य मार्ग है ये आजकल बंद है क्योंकि जो आगे तोता घाटी है देवप्रयाग के नज़दीक, तो वहाँ पर भूस्खलन लगातार जारी है क्योंकि जो कार्य चल रहा है NH का, यानी आपके चारधाम महामार्ग परियोजना जो चल रही है, उसके कारण इस मार्ग को आजकल बंद कर दिया गया है कि वहाँ तक जब तक वहाँ कार्य निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता। और जो गाड़ियाँ हैं दूसरे मलेथा जो होते हुए आपके टिहरी होते हुए दूसरे वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। तो ये थी मलेथा के कुछ विजुअल्स जो आपके लिए लेके आऊँगा, ऊपर से भी आपको ये नज़ारे दिखाऊँगा। और यही सब नज़ारे जो हैं वो ऊपर से भी, ऊपर मलेथा टिहरी मार्ग से आपको दिखाऊंगा। तो आप ये देखिए, तो इस वक्त मैं मलेथा पर हूँ जहाँ से आपको ये मलेथा के अंतर्गत जो रेलवे का कार्य चल रहा है उसके जो नज़ारा है वो दिखा रहा हूँ। और न्यू टिहरी मार्ग से ये विजुअल्स आपके लिए लेके आया हूँ। हालांकि बीच में पेड़ पौधे हैं तो आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप समझेंगे ये कितना बड़ा ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होना है। और इसकी लंबाई का आकलन आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये रेल मार्ग बनकर तैयार होना है। तो ये देखिए, दूसरी जगहों से मैं आपके जो मलेथा के विजुअल्स हैं वो लेके आया हूँ। और यहाँ से आप थोड़ा नज़दीक से निर्माण कार्यों को देख सकते हैं कि किस तरह से ये निर्माण कार्य जारी है। और सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है मैंने बताया आपको, यहाँ बनकर तैयार होना है। तो बहुत ज़्यादा कार्य हुआ है, एक महीने के अंदर ही इसका जो निर्माण कार्य है बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो रेलवे के निर्माण कार्य, रेलवे ने लक्ष्य रखा है 2024, यहाँ रेलवे के सामने पेट्रोल पंप भी नज़र आ रहा है। तो देखिए, कोई भी कारण रेलवे के कार्यों में अवरोध न बने इसके लिए पूरी तैयारी है। पेट्रोल पंप हैं ताकि उनकी जो गाड़ियां हैं या रेलवे निर्माण कार्य में जो भी गाड़ियां लगी हुई हैं वो अपना कार्य सही ढंग से करें। और देखिए कितना कार्य इसके अंतर्गत हो चुका है। इनकी मुझे याद नहीं आ रहा है ये इसकी लंबाई की, कितना बड़ा ये रेलवे स्टेशन बनके तैयार होना है। लेकिन गढ़वाल के में सबसे जो बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा तो मलेथा ही बनेगा। इसके अलावा रेलवे की और भी अपडेट मैं लेके आऊँगा, फिर वो आपके नरकोटा में हो, खाकरा में हो, खाकरा में सुरंग का कार्य चल रहा है, नरकोटा में आपका रेलवे स्टेशन बनना है, और तिलनी के नज़दीक भी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होना है, उसकी भी अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मलेथा की ये वीडियो थी। उत्तराखंड और उत्तराखंड से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हालांकि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत ही गंदी खुद की शक्ल आने वाली है। खैर, आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।